हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीना के संग। रीना के संग रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रीना के संग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। ये कोई मांगने वाला आया उसके आवाज है। और सुबह के बच्चों के हैं 9। और मम्मी पापा, आप तो आपको पता ही है, हमारे साथ रहने लग गए हैं। मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं उनको यहीं ले आई और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो नाश्ता करवा चुके हो, नाश्ते में क्या क्या खाया है वो मम्मी पापा ही खुद ही बताएंगे। हेलो गाइस, हेलो नमस्कार। हम अपने बेटे के घर आए हैं। बेटे मेरे को याद आई, पहले ये 3 लोग थे, अब ये 5 लोग हो गए। अब हम यही रहेंगे कुछ दिन। कुछ दिन कुछ दिन यही हम नाश्ता। देखो अभी भी डाउट है इनको रहने में है। मेथी के परोंठे और दूध और चटनी खाई, बड़ी टेस्टी लगी। बड़ी सेवा हो रही है। अब गाइस फर्स्ट टाइम में बोल रही हूँ मैं, अभी मुझे बोलना नहीं आता। मन लग रहा है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा मन लग रहा है, अच्छी सेवा हो रही है। और मेरी पोती भी चैतन्या भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब पापा को कैसा लग रहा है? पापा बताओ, पापा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? बहुत खुश है हम लोग। अरे देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। ये है हमारी चेरी। चेरी तो नींद में हो रखी है अभी ना, नींद आ रही है इसको। ये चेरी और मैंगो का है, मैंगो वो रहा। चैतन्य उठ गई, गुड मॉर्निंग बोलो। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये गधे। ये गधा क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंगो तो कहाँ कर ला दीदी के साथ। मैंगो मैंगो, गंदा बच्चा, इधर देख क्या कर रहा है। दोस्तों आता है तो ये स्वेटर निकाल देता है, क्योंकि दिल्ली में हो चुकी है ठंड। ठंड पड़ गई ना मम्मी? ठंड बहुत, ठंड पड़ गई, ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने मम्मी पापा को नाश्ता पानी करा दिया है और अब मम्मी पापा जाएंगे सुबह छत पे धूप सेकने। तब तक मैं सफाई वफाई कर लूंगी और दिन के खाने की तैयारी कर लूंगी। चैतन्या स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसके हाथ में पता नहीं क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा था तो वो स्कूल नहीं गई। क्या हो गया चैतन्या? जरा सा हाथ में दर्द हुआ और छुट्टी कर ली स्कूल की। नहीं, ये नहीं कि मैं तो दवाई लगा के चली जाऊँ, कुछ लगा के चली जाऊँ, पर ज्यादा दर्द होगा तभी कर लिया शायद छुट्टी। तो अब मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना बन चुका है, दिन का जो लंच है वो रेडी है। और आज हमारे खाने में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में यहाँ मम्मी है, हरी सब्जी साफ करने के लिए, काटने के लिए मेरे को। और मैंने भिंडी निकाली, सब्जी साफ करी अच्छी तरह से, और सौंफ मिर्च सारे मटर। तो हरी सब्जी सब साफ करके मेरे को आसान हो जाएगा काटने। तो मेरे लिए कुकिंग करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि साफ करने में आपको पता है बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी ने सारी साफ करके दे दी है। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, दाल चावल है, सलाद है, पुदीने की चटनी है, और ये मूली के पत्ते की भुजिया है। और ये मैं देख के आ रही हूँ चैतन्य के पापा को, आज उनका डिनर है। और इधर मम्मी पापा को भी खिलाऊंगी, है ना, खाना खाएंगे। तो फ्रेंड ये रहे चैतन्य के पापा जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। तो उनकी थाली तैयार है आज, टेस्टी टेस्टी खा के बताओ पापा कैसे बने हैं। गर्मा गर्म दाल चावल। वाह दोस्तों, याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, भीनी भीनी खाने का सुहाना। पहाड़ों की याद आई। चटनी भी है चटनी। और आज प्रेशर कुकर में चावल बने, अच्छे लग रहे हैं, मजेदार, खुशबूदार, एकदम मजेदार, फुल मजा होगा। और तुम्हारी फेवरेट? मेरी फेवरेट हरी भुज्जी। हरी भुज्जी वो खा के बताओ दोस्तों। जो ये है ना हरी भुज्जी, ये करती है मेन काम, समझ रहे हो आप? कुछ भी खाओ, अगर आप हर चीज के साथ हरी भुज्जी खाते हो, कोई भी आपके शरीर के अंदर बीमारी हो, ये जो है मूली, मूली की पत्तों की जो भुज्जी बनती है, इसको आप खाओगे ना
सारे रोग खत्म हो जाएंगे शरीर के, सारे के सारे रोग। डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़िया हो जाएगा, पचाने की शक्ति बढ़ जाएगी, और दूसरा उससे बेस्ट स्किन का जो कलर है आपका फेयर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो भुज्जी है ना, यह मंडे रोज खाओ मूली के पत्ते की भुज्जी। तो रेसिपी मेरे मैजिक तड़का विद रीना में आपको मिल जाएगी, बहुत वायरल हो गई है, बहुत इजी है और बहुत वायरल हो गई है मेरी ये वाली वीडियो। मजा आता है ना, जैसे कि हमारे पापड़ होता ना, करंच करंच ऐसे लगते है मुंह। और इसके कोई कुछ भी हैवी चीज खाओ और बाद में ये खा लो, बट अगर ये भुज्जी खा लेना आपने, मैं बता रहा हूँ पूरी बीमारी खत्म शरीर की, और नहीं भी है तो ताकतवर वैसे बन जाओगे, पेट पेट कभी नहीं आएगा आपको, पेट खत्म। तो फ्रेंड शाम हो चुकी है और हमारे घर आई है मिठाई, शाम हो चुकी है पूरी और मिठाई आ चुकी है टेस्टी टेस्टी सी, और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स खाया जा रहा है चैतन्य के द्वारा, चैतन्य इवनिंग स्नैक्स खा रही है। तो फ्रेंड देखो ये है बाल मिठाई, जो हमारे उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई होती है, ये आज आई हुई है तो ये मम्मी पापा को टेस्ट कराते हैं। तो ये है बाल मिठाई, ये है बाल मिठाई, हाँ गाँव वाली हमारे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड का तो बात ही कुछ और है, हर चीज में वही स्वाद है, अभी नहीं है, बड़ी टेस्टी है। लो बाबा बेखा। और इधर ये रहे हमारे चिंटर पिंटर, ये ऑरेंज का किसने गिराया नीचे, देखो पैर पे दब गया। तो दोस्तों ये चैतन्य ऐसी खाती है जो भी चीज होती है नीचे गिरा देती है, इसको उठा ये किसने गिराया फिर, तो देखो उसने ऑरेंजेस खाए होंगे तो यहाँ गिरा दिए। और ये देखो चीची क्या कर रही है, ये छोटे छोटे बच्चों ने आफत मचा रखी है, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे, ये छोटे छोटे बच्चों ने आफत मचा रखी है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भागे भागे भागे, कौन है कौन है, भाग 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 भाग। ये हमारा आज के गार्ड बना हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी आता है बाहर तो उसका भौंकना शुरू हो जाता है। नहीं मम्मी किसी को घर के आगे नहीं टिकने दे रहा है, बहुत ज्यादा भौंकता है। तो मम्मी को कड़ी खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, नहीं तो दोस्तों मेरी मम्मी इतनी टेस्टी कड़ी बनाती थी, इतनी टेस्टी कड़ी बनाती थी कि मज़ा ही आ जाता था, बहुत टाइम से नहीं बना पा रही है, जल्दी से और आप प्रेयर करो जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं इनसे कड़ी भी बनवाऊंगी। और ये रही चैतन्य, तो चैतन्य कड़ी खाएगी, यस कड़ी चावल नानी के हाथ की, नानी नहीं बना पाएगी बेटा, नानी नानी से काम नहीं हो पाता, फाड़ू नहीं बना रही मैं, बना रही फाड़ू दोस्तों हमारे एक गढ़वाल की उत्तराखंड की डिश होती है जिसमें हम दाल को पीस के बनाते हैं, ये वो मांग रही है पर हम वो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे क्या कड़ी चावल, है ना मम्मी, तो आज शाम को खाएंगे हम कड़ी चावल। और इधर मम्मी ने सारी हरी सब्जी देखो कितनी सारी है, ये सारी की सारी थैला भर के हरी सब्जी साफ कर ली है, इसका भी साग बाग बनाना है तो देखते हैं, देखो मत खींचो उसके पैर, इसको क्यों सजा दिए, भाग रहा है, हाँ, कहाँ जा रहे है? हमेशा परेशान कर रहा है। तो चलो पढ़ाई करो, आपका एग्जाम है चैतन्य, चैतन्य के एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो मैं कह रही हूँ पढ़ लो जरा, दे दो अब स्नैक्स खा लिया, पढ़ लो ठीक है, और ये उठा लो नीचे से क्या क्या गिरा हुआ, गंदा मच मचाओ, चिकू तो क्या गंदा कर रहा है ये, है छोड़ दे उसकी टांग, छोड़ दे, अच्छा ये खा रहा है ऑरेंज, ये ऑरेंज खा रहे हैं, ये बहुत शैतान हो गया है। और यहाँ पे हम तैयारी करते हैं अब अपनी कड़ी बनाने की, पूरा किचन अभी फैला हुआ है, पहले किचन को साफ करेंगे, यहाँ पे मैं ले आई हूँ दही, अंधेरा भी हो गया है, ये लाइट जला दी, यहाँ पे आ गई है दही, दही से अब बना लेते हैं कड़ी, और कड़ी की तैयारी करते हैं, अभी चाय वाय बनाइए इसलिए पूरा किचन जो है फैला हुआ है, ये भी साफ करना है। और ये देखो ये भी अलग मस्ती में, ये भी पहुँच गई, ये भी पहुँच गई, बहुत दिनों से कड़ी खाने का, सब्जियां साग खाने का मन कर रहा था,
मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे से बना नहीं। अब यहाँ आके हम ये रीना हमारी बहुत सब बना के दे रही है, अच्छा लगा। खाओ खाओ दोस्तों। ये देखो मैंने बना लिया कड़ी और चावल, अब पापा को भी देती हूँ और चैतन्य तो ऑलरेडी खा रही है यहाँ पे। कैसे बनी है कड़ी? बहुत टेस्टी। तो कड़ी पास है? यस पास। और यहाँ पे मेरे दोनों चिट्टर पूंजे खेल रहे हैं। गाइस मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। क्या फन फैक्ट है? मैं 2 सालों के बाद खा रही हूँ कड़ी। 2 साल के बाद कड़ी खा रही है? क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कड़ी बना दो कड़ी बना दो, ये मना कर देती थी कि नहीं मम्मा नहीं बनानी। पता नहीं क्या होगा, उन्होंने बीच में चावल ले लिए, बहुत टेस्टी लग रही है। तो दोस्तों हम सब यहाँ पे खा रहे हैं कड़ी, यमी यमी कड़ी। तो मैं भी खा लेती हूँ कड़ी और आज के ब्लॉग को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। तो रीना के संग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो रीना के संग रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं खत्म। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों, बाय 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 दोस्तों।